स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेस में। यह वीडियो आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ऑब्जेक्टिव का पार्ट टू है, जिसमें आपको हम आज 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में सही सही आपको आपका आंसर देंगे और उसके बारे में डिटेल्स आपको हम बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे इस वीडियो पर नए हो वो मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके हेल्पफुल है या नहीं। इसके बारे में जिसका नाम है CCl4 का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही इसका आपका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका है 27 नंबर, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपको सभी श्रेणी का आग बुझाना हो तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए CTC फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करेंगे, जिससे आप सभी प्रकार के आगों को बुझा सकते हैं। अगला है वो आपका 28 नंबर, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो जी हाँ, अगर लिक्विफाइड से आपको बुझाना है तो आपको इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर। अगला बात करें दोस्तों तो वो है आपका 29 नंबर, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार से बुझ जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कागज। बाकी सारा ऑप्शन मिट्टी का तेल, बिजली का तार, LPG गैस शीतल जल से नहीं बुझा सकते हैं, बल्कि इसके लिए अलग फायर एक्सटिंग्यूशर आपका उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो है आपका 30 नंबर, यदि एक मरीज को मुंह से मुंह श्वसन विधि मतलब माउथ टू माउथ रेसिटेशन आपको द्वारा सांस दिया जाए, अगर वो व्यक्ति आपको रिएक्ट ना करे, प्रतिक्रिया ना दे, तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ऑप्शन बी, सी, डी, उस समय नहीं कुछ करना चाहिए और आपको तुरंत ए, तुरंत आप डॉक्टर को आप बुलाइए और डॉक्टर ही उसको आपका ट्रीटमेंट करेगा, वरना इससे आपका उस पेशेंट का या उस आपका विक्टिम का जान जा सकता है। अगला है वो आपका 31 नंबर, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। जी हाँ, इमरजेंसी रिएक्ट का आपका टाइप्स कौन नहीं है? तो आग लगना, शक्ति फॉल्ट, पावर फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, वर्कर फॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा 31 का डी, वर्कर फॉल्ट। जी हाँ, वर्कर फॉल्ट जो है वो आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है, जबकि पावर फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट और आग लगना ये सब आपातकालीन। इसमें मानव शरीर में से लगभग निम्न कितनी धारा का परिमाण प्रवाहित हो तो आघात की अनुभूति नहीं होगी? इसमें आपका ऑप्शन दिया है 1 mA से कम, 10 से 40 mA, 8 से 15 mA और 1 से 8 mA। तो दोस्तों, आपको आघात की अनुभूति तब नहीं होगी जब करंट का मान सबसे कम होगा, मतलब 1 mA से अगर करंट का मान कम हुआ तो आपको आघात की अनुभूति कदापि नहीं होगी, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपको वाइब्रेशन या कुछ वाइब्रेट जैसा आपका महसूस होगा, लेकिन इससे आपका क्षति नहीं पहुंचेगा। अगला बात करें दोस्तों तो वो आपका 33 नंबर क्वेश्चन, कि यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है? यह क्वेश्चन आपके थंबनेल पे लगाया गया था और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आपको इसरो में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आपको बता दें, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रबर वाल्व का प्रयोग। जी हाँ, अगर कोई आपके साथ महिला काम कर रही हो, वर्कर काम कर रही हो, तो उसे अगर आप माउथ टू माउथ रेसिटेशन देना चाहते हैं तो आप उस वक्त आप क्या करें, उसे रबर वाल्व का प्रयोग करके आप उसे यह आर्टिफिशियल आप रेस्पिरेशन उसे दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपका 34 नंबर, वर्कशॉप में भार को उठाते समय मैक्सिमम लोड किस पे होना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, या तो सिर्फ वर्कशॉप में नहीं, अगर आप घर में या बाहर कहीं भी काम कर रहे हो, तो अगर कोई आप
भार को उठाते हैं तो आप मैक्सिमम लोड आप अपना सिर्फ और सिर्फ लेग पर ही डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, लेग्स। अगला बात करते हैं दोस्तों, वो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेफ्टी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है, देखिए आपको मशीन, बॉडी, वर्क, रोड। तो एक बात बताइए दोस्तों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आपका मशीन आता है, बॉडी भी आता है, वर्क भी आता है, लेकिन रोड रोड आपका नहीं आता। वो आपका रोड सेफ्टी के अंतर्गत आता है, वो आपका ट्रैवल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, रोड। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वो आपका है 36 नंबर, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत से आग लग जाए तो कौन सा एक्सटिंग्यूशर प्रयोग करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अगर आपका तेल, पेट्रोल या विद्युत से आग लगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रखे सीटीसी ऑप्शन, इसका आंसर सी हो जाएगा, सीटीसी एक्सटिंग्यूशर का तुरंत आप इंस्टेंट रूप से आप इसका प्रयोग करें तो आप तेल, पेट्रोल और विद्युत से लगे आग को बुझा सकते हैं। देखते हैं, देख रहे हैं 37 नंबर, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में एसिड को निष्प्रभाव मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में आपका एसिड का प्रयोग किया जाता है, जहाँ आपको एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना होता है तो वहाँ पे आप ऑप्शन ए क्षार, जी हाँ ऑप्शन ए क्षार जो है, इसे आप एसिड में मिलाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे आप उदासीन बना सकते हैं। तो यह भी आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है जो आपका आपका डीआरडीओ के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है वो आपका 38 नंबर, ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। जी हाँ, बहुत सारे आपका स्टूडेंट्स को ये सब पता नहीं होता कि ड्राई बॉडी या वेट बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, तो ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस आपका ऑप्शन सी, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस ऑप्शन सी 100 किलो, किलो मतलब 1000 ओम, 100 किलो ओम होता है ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ड्राई बॉडी मतलब आपका हो गया सूखा बॉडी, आपका सूखा शरीर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वो आपका 39 नंबर है, सॉरी यहाँ 9 हो गया गलती से, यहाँ 39 होगा। तो 39 है कि भीगे हुए मतलब वेट बॉडी, भीगा हुआ शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो भीगा हुआ शरीर का आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 किलो ओम, 1 किलो मतलब आप 1 किलो ओम बोलें या 1000 ओम बोलें, 100 ओम नहीं दोस्तों, 1000 ओम, 1 किलो ओम या 1000 ओम आपका भीगा हुआ शरीर का रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वो आपका देखिए वीवीआई है, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप देखिए BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIS का फुल फॉर्म आपका होता है ऑप्शन ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो इसका आपका हिंदी होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन 42, कि BIS का स्थापना कब हुआ था। जी हाँ, आपने अभी पढ़ा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका स्थापना आपका हुआ था ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1987 को इसका अपना आपका स्थापना किया गया था। तो अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वो आपका हो गया 43, ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, ISI का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला बात करें आपका 44, वेट केमिकल एक्सटिंग्यूशर का लेबल कलर कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, अगर कोई भी अगर आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर नहीं पढ़े तो अभी भी जाकर के वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का आप वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, वही पे आपको हम बताए थे लेबल कलर हर एक्सटिंग्यूशर का। यहाँ पे आप जानिए दोस्तों 44 का, वेट केमिकल एक्सटिंग्यूशर का लेबल कलर
कैसा होता है या क्या होता है। तो आपका दोस्तों यह आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, येलो। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करें वो आपका है, सॉरी यहाँ पे हम दे नहीं पाए, गलती से छूट गया, 45। फ्लेमेबल मेटल्स किस क्लास के फायर में आते हैं? फ्लेमेबल का हिंदी हो गया आपका दहनशील धातु, आपका किस क्लास के के फायर में आता है? तो जी हाँ दोस्तों, दहनशील धातु आपका ऑप्शन डी, क्लास डी के फायर में आपका इसका आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो आपका 46। कुकिंग ऑयल में लगे आग किस क्लास के फायर में आते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, कुकिंग ऑयल में लगे आग आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, क्लास एफ फायर के अंतर्गत आपका कुकिंग ऑयल को रखा गया और उसी में आपका उससे लगने वाला आग आपको इस फायर में आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो आपका हो गया 47। ब्यूटेन गैस के द्वारा लगे आग होते हैं? जी हाँ, कोई भी गैस हो उसके द्वारा लगे आग आपको किस क्लास के फायर में आएंगे? तो वो आपका हमेशा आपका आएंगे ऑप्शन सी, क्लास सी फायर में आपका हर प्रत्येक गैस को आपका रखा गया है, प्रत्येक गैस से लगने वाले आग को। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो आपका 48 है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में काम करते हुए कौन सी सीढ़ी का प्रयोग करेंगे? ये देखिए दोस्तों, सबसे बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, आप खुद देखिए इसको, आप फंस जाइएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा आपका विपरीत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फाइबर ग्लास। एल्युमिनियम नहीं करेंगे क्योंकि वो चालक है, आयरन नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक कंडक्टर है, चालक है, और वुड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भीगा हो या जो भी हो, तो इसके लिए यहाँ पे आपका फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वो आपका देखिए 49 नंबर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या है? यह भी VVI क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा देख लें। तो जी हाँ, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम आपका होगा ऑप्शन सी, ABC एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, ABC एक्सटिंग्विशर आपका इसका नाम होता है। क्यों? क्योंकि यह एक्सटिंग्विशर आपका क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर के लिए, तीनों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ABC एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका दोस्तों 50वां, की कंबल बालू ETC का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप आग बुझा रहे हैं, अगर वहाँ पे आप कंबल बालू ये सब का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कौन सा प्रोसेस वहाँ पे आग बुझाने का आप कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है दोस्तों, ये आपका, ये भी आपका इसरो में आया हुआ है। तो जी हाँ, इसे इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी, स्मूथरिंग। जी हाँ, स्मूथरिंग का मतलब होता है कि कंबल बालू के द्वारा आपका समान रूप से आपका आग को बुझाना या उसके ऑक्सीजन, आग के ऑक्सीजन सप्लाई को काटना। तो ये आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का यह दो पार्ट था, और इसका और जो आगे वाला चैप्टर है टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन, वो जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बड़े ही प्यार से और बड़े ही आपको यहाँ पे आराम से धैर्य के साथ यहाँ पे आप पढ़ाई कीजिए, और ये सब जितना क्वेश्चन है वो आपका इसरो, आपका DRDO, सेल, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया, LP हो गया, या फिर NPCIL, NFC, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सारा का इसमें आपको हम क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका इतना के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।